दो दिन पहले न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में हमारे एक साथी, उनसे बात हुई। लाशों के ढेर हर दिन वहां पर ट्रकों में भर के निकल रहे हैं, और जब हर टर्मिनल इल पेशेंट से वो बात करते तो वो पेशेंट कहता, कुछ दिन काश और मिल जाए। और इन कुछ दिनों में कोई भी व्यक्ति न तो पैसा कमाने की बात करता, न दुनिया घूमने की बात करता, न संपत्ति खरीदने की बात करता। इन कुछ दिनों में हर व्यक्ति जीने की बात करता, खुद को वक्त देने की बात करता, परिवार को वक्त देने की बात करता। क्या हैं हम? वी आर नथिंग। एक नन्हा सा वायरस जो दिखता नहीं खुली आंखों से, उसने हमारे अहंकार को चूर करके रख दिया। दुनिया का सबसे खूबसूरत देश स्विट्जरलैंड, हजारों लोग मर रहे हैं, कोई वादियों की तरफ नहीं देख रहा है। मेडिकल सुविधाओं में सबसे अच्छे देशों में से एक इटली, कुछ भी काम नहीं आ रहा। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, यूएसए, एक भी हथियार एक वायरस को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। और इंडिया की सोचिए, आपकी और हमारी सोचिए, एक बार सोचिए तो सही, उन्हीं जमीनों के लिए कितने झगड़े झंझट। देखने जा पाए क्या उन जमीनों को? रेस्टोरों में खाने का बहुत शौक, खाने निकल पाए। दुनिया में एक से एक एग्जोटिक जगह, और आप तो बहुत धनी है, फाइव स्टार के नीचे बात नहीं करते, लेकिन कहीं जा पा रहे हैं क्या? आपकी अलमीरा ब्रांडेड कपड़ों से भरी पड़ी है, लेकिन जिंदगी आपकी पैजामों और नाइट सूट में कट रही है। क्या है? ढेर सारी ज्वेलरीज लॉकर में, कुछ पहनने का मन ही नहीं करता। क्या है? एक वायरस ने हमको दिखाया हम क्या है, हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या। हम शून्य है, बहुत बड़ा शून्य। कल तक हम कुदरत को बोलते थे, जानते हो मैं कौन हूं? अब कुदरत ने कहा, शांति से बैठ जाओ, तुम नहीं जानते मैं कौन। और देखो प्रकृति हम पे हंस रही है। वो गंगा जमुना साफ होने लगी, जालंधर से पहाड़ नजर आने लगे। सोच के देखिए, सोच के देखिए, मुंबई में फ्लेमिंगोस की भीड़ लग गई, दिल्ली की हवा साफ होने लगी, श्रीनगर में लेक में डक्स आ गई, क्योंकि प्रकृति हंस रही है। प्रकृति हमसे कह रही है, तुम मेरे ऊपर बोझ हो, बराबरी से जियो, बैलेंस से जियो। साथियों, जिंदगी को बैलेंस की जरूरत है। धन नहीं, संपत्ति नहीं, प्रसिद्धि नहीं, जीवन में और भी बहुत कुछ है। तो जब लॉकडाउन खत्म होगा तो क्या करेंगे? थोड़ा सा बदल जाइएगा, थोड़ा खुद को वक्त दीजिए, थोड़ा परिवार को वक्त दीजिए, थोड़ा समाज को वक्त दीजिए, थोड़ा जो अभी अभी दान करने की इच्छा अंदर पैदा हुई है ना, वो दान कीजिए। थोड़ा सोचिए, वो लूडो, वो हौजी, वो अंताक्षरी, उनको अंदर मत जाने दीजिए। हर बार उनको खेलने के लिए वायरस की जरूरत नहीं है, उनको बाहर ही रहने दीजिए। थोड़ा वक्त बिताइए अपनों के साथ और अपने साथ। और मेरे दोस्त, जिंदगी को यदि वाकई जीना हो ना, तो समझना कि एक महीने बाद मृत्यु होने जा रही है, और इस एक महीने में कैसा जीवन जीना चाहोगे? क्योंकि यदि इस एक महीने की ठीक से योजना बना लोगे ना, इस एक महीने में जो तुम्हारे भीतर परिवर्तन होंगे, इस एक महीने के भीतर जो सोच में निर्मलता होगी, जो लोगों को माफ करने की फीलिंग होगी, जो किसी से झगड़ा ना करने का इमोशन होगा, जो सबको दे दो वो वाली भावनाएं होंगी, उन भावनाओं से यदि जिंदगी जी सकोगे, तो हमको किसी कोरोना वायरस की जरूरत नहीं है कि वो आकर हमको सबक सिखाए। ये लेसन है उन सभी के लिए, मेरे लिए भी, जो ये सोचते हैं कि जिंदगी सिर्फ उपलब्धियों का नाम है। और इस लॉकडाउन के बाद आवर ऑफ पावर, एक घंटा शक्ति का चालू रखिएगा, 20 मिनट्स मेंटल अपग्रेडेशन के लिए। अच्छी पुस्तकें चालू रखना, अच्छे लोगों से बात करना चालू रखना, ज्ञान लेना चालू रखना, 20% स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन। रोज मेडिटेट जरूर करना, अपनी अंतरात्मा से बात जरूर करना, रोज जरूर कहना, आई एम ओके, द वर्ल्ड इज ओके, मैं ग्रेट हूं भगवान, पूरी दुनिया को शानदार बना दो। रोज पूरी दुनिया की गुडनेस के लिए कामना करना, ताकि प्रकृति, ये इकोसिस्टम, आपको वही गुडनेस ला कर दे। और लास्ट 20% फिजिकल अपग्रेडेशन,
फिजिकल मेंटेनेंस, तो जिस तरीके से अभी फिट हो ना, खूब खेल रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो घर में, वो चालू रखना और फिजिकली फिट रहना। लॉकडाउन का इंतजार मत करना। और तो और, 125 करोड़ की जनता जो कोई नियम नहीं मानती, वो सारे लोग भी आज नियम में आ गए। आज गांव वाले अपने यहां बाहर वालों को आने नहीं दे रहे हैं, कहीं गांव कोरोना की चपेट में ना आ जाए। सोच के देखिए, यदि यही नियम हम अपनी लाइफ में पालने लग जाएं, यदि यही नियम हम अपने व्यापार और करियर में पालने लग जाएं, तो जिन दूसरे देशों की हम तारीफ करते हैं, इंडिया भी उनमें से एक होगा। साथियों, हो सकता है ये लॉकडाउन और बढ़ जाए, लेकिन याद रखिए, आप लॉकडाउन हुए हैं, आप नॉकडाउन नहीं हुए हैं। और जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, तब आपको और मुझे, हर किसी को एक संकल्प लेना है कि हम एक बेहतर पिता बन के बाहर आएंगे, हम एक बेहतर पुत्र संतान बन के बाहर आएंगे, हम एक बेहतर बॉस एम्प्लॉय बन के बाहर आएंगे, हम एक बेहतर नेबर बन के बाहर आएंगे, हम एक बेहतर इंसान बन के बाहर आएंगे, और इस लॉकडाउन से हम एक बेहतर सिटीजन बन के बाहर आएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार।